हेलो पंजीमान टेक महोत्सव का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये वाला वीडियो हमने आधा बना दिया था, पर उसके बाद इंटरनेट ख़राब हो गया तो आधा नहीं बना पाए, तो आगे का बढ़ते हैं। तो पहले मिनिमाइज कर देते हैं सब कुछ। तो हमने आईपी तक बता दिया था, अब आईपी के आगे बढ़ते हैं। तो आईपी कैसे चेंज करनी है और कैसे देखनी है हमारे सिस्टम की आईपी। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल खोल लेंगे, स्टार्ट वाले बटन दबाए कंट्रोल पैनल। चाहे तो आप वैसे भी खोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी खुल जाएगा। तो बाद नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क में इंटरनेट में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटरनेट। अब यहाँ पर अगर केबल वाला आइकॉन बना हुआ तो समझ लीजिए केबल से कनेक्टेड है, और अगर यहाँ पर वाईफाई का बार दिख रहा होगा, मतलब वाईफाई का आइकॉन, तो समझ लीजिए वाईफाई से कनेक्ट। करेंटली तीन तरह के नेटवर्क कनेक्शन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, एक वाईफाई, लाइन और ब्लूटूथ। तो यहाँ पर देखिए वाईफाई का बार यह है, मतलब वाईफाई से नहीं कनेक्टेड है। ईथरनेट है, ये हमारा ईथरनेट से भी नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि हमने एक यूएसबी केबल से कनेक्टेड है, जिसको बोला जाता है रिमोट NDIS बेस्ड नेटवर्क सेटिंग होती है। ये एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से अपने ईथरनेट की मदद से कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो इससे ज़्यादा क्या लेटेंसी भी अच्छी रहती है, स्पीड भी जो हमारी अप डाउन नहीं होती रहती है। तो ये होता है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, ब्लू रंग का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल में चले जाना है, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पे दिखेगा रिमोट NDC बेस्ड इंटरनेट शेयरिंग डिवाइस, और ये हमारा मैक एड्रेस है हमारे कंप्यूटर का है। और उसके बाद यहाँ पे DHCP मतलब इनेबल है या डिसेबल है। अगर ये डिसेबल रहेगी तो आपको मैनुअल IP डालनी पड़ेगी, इनेबल रहेगा तो IP नहीं डालनी पड़ेगी। तो जो नए लोग जुड़ गए हैं ग्रुप से, वो भी आके यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी IP एड्रेस है जो हमारे कंप्यूटर को अभी मिली हुई है। यहाँ सबमिट मार्क्स हो गया, और यहाँ पे कब मिली है, लीज कब से कब तक के लिए। तो ये 30 मार्च को 2020 से शुरू हुई है। अब ये थोड़ी क्वालिटी आपको डाउन दिखेगी, क्योंकि हमारा इंटरनेट हम मोबाइल से चला रहे हैं तो क्वालिटी डाउन हो गई। पहले हम 1080 फुल HD पे चलाते थे 60 फ्रेम पर सेकंड पे, पर अब हम 480 पे डाउन हो गए, क्योंकि जियो में इतना तेज़ नहीं होता कि 1080 पे चला सकें। और उसके बाद यहाँ पे IP4 डिफ़ॉल्ट गेटवे, हमने आपको समझाया था डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। उसके बाद यहाँ देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे दोनों तीनों जगह सेम है, DNS सर्वर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम है। और यहाँ पे IP6 की कुछ डेटा, चूँकि ये जियो है तो जियो में IP6 भी यूज करता है। तो ये हमारा IP6 एड्रेस है, या टेम्परेरी IP6 एड्रेस, लोकल IP6 एड्रेस है आप। तो ये हमारा IP6 एड्रेस भी है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम IP चेंज करनी है, जैसे कि हमारा अभी चल रहा है डायनेमिक चल रही है, हमें स्टैटिक लगानी है, तो हमें प्रॉपर्टी में चले जाना होगा और यहाँ पे IP4 पे चले जाना होगा। और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे हमें IP डाल देनी होगी, क्योंकि हम इसको अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि एक बार हमने ऐसे कोशिश किया था तो हम भूल गए थे कि लाइव स्ट्रीमिंग है। क्योंकि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे मैनुअल डाल के, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा, हम आपको एग्जांपल थोड़ा दिखा देते हैं। तो इसको आप साइड में खोल लीजिए, और बेहतर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है इसका। तो 192.168.42.129 है इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो IP कैसे डालनी है थोड़ा आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जाना है 192.168.142.129 थी, तो यहाँ पे आपको 30 या 31 कोई भी डाल देना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, यहाँ पे 192.168.142.129, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रहेगी। नीचे भी चाहे तो आप सेम चीज़ें डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले बॉक्स में। उसके बाद ओके कर देंगे, आपकी IP जो यहाँ पे लगी है वही IP चेंज होके सिस्टम ले लेगा। और आपका अगर आपने सही IP डाली होगी तो आपको यहाँ पे वो नई IP आपको दिखाई पड़ेगी जो है। अब ये IP में लीज वाला ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि आपने स्टैटिक लगा दिया तो IP चेंज नहीं होगी। जब भी डिवाइस कनेक्ट होगा सेम IP वही यूज की जाएगी जो भी डिवाइस का था। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं मैक एड्रेस। हालांकि विंडो 10 के अंदर अपनी खुद की सेटिंग है, अगर हम विंडो आई दबाएंगे तो सेटिंग आ जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा, और यहाँ पे नेटवर्क दिखाइए कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे स्टेटस के अंदर तो कनेक्टेड दिखाएगा, यहाँ पे चेंज अडाप्टर सेटिंग जाएंगे तो यहाँ पे दोबारा से चीज़ें खोलेगा पुराना वाला ही। तो यहाँ इथरनेट पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा इंटरनेट कनेक्टेड है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे भी देखिए IP असाइन लिखा है ऑटोमेटिक DHCP। तो यहाँ पे क्लिक करके ऑटोमेटिक से आप मैनुअल लगाएंगे। आप मैनुअल को DHCP स्टैटिक भी बोला जाता है। आप यहाँ पे कौन से मैनुअल लगाना चाहते हैं IP4, तो जैसे क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आ जाएंगी। IP6 करेंगे तो IP6 की आ जाएगी, जब ज़्यादा बेहतर तरीके से काम आता है।
तो उसके बाद यहाँ पे आईपी सिक्स एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि ये डीएनएस हमने पहले ही बता दिया जियो का यूज़ करना। जियो ओनली ऐसा नेटवर्क है जो आईपी सिक्स यूज़ करता था। यहाँ पे देखिए 425 स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितनी है यहाँ पे, इसकी आईपी सिक्स एड्रेस है, ये लोकल आईपी एड्रेस है, ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये आईपी फोर एड्रेस है, ये आईपी फोर डीएनएस सर्वर है, यहाँ मैन्युफैक्चर किसने बनाया है, डीएनएस डिवाइस का नाम क्या है, ड्राइवर वर्जन क्या है, और यहाँ पे आपको वही सेम माइक एड्रेस मिलेगा जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा वेब ब्राउज़र। तो इंटर एक्सप्लोरर को हमने बंद कर दिया है तो उसको यूज़ करने कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अब वो चलता भी नहीं है। और उसके बाद आते हैं पहला हमारा एज आता है। तो एज में दो वर्जन होते थे, दो वर्जन मतलब कि पहला वर्जन जो था वो माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम यूज करता था, पर अभी जो एज है वो गूगल क्रोम का सिस्टम यूज करता था। तो आप लोग स्ट्रीम अगर अच्छी नहीं आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट हमें दिख रहा है रियल टाइम में। तो आगे बढ़ते हैं एज पे, जैसे ही आप एज खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिले, हालांकि इसको हमने पर्सनलाइज करके रखा हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अलग दिखाई पड़ेंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलग दिखाई पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे नए दिखाने के लिए नया एक प्रोफाइल बना लेते हैं। तो ये प्रोफाइल प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल नए बना लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और ये हमारा बिल्कुल इस तरह से जब भी आप इसको खोलेंगे तो इस तरह से एकदम दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएगा, उसके बाद यहाँ पर न्यू टैब लिख कर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो किसी को जवाब दे दें। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिस मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट को, नई वेबसाइट को लोड ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए और उसका नाम और एड्रेस डालिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको वो मिल जाएगा, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा न्यूज का, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर की तरफ न्यू टैब मिल जाएगा, और क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू दबा सकते हैं, नए टैब के लिए कंट्रोल टी दबा सकते हैं, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दो बटने मिल जाएंगी। रुक जाओ, पहले हम टेलीग्राम को बंद कर देते हैं, बार बार मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे बैंक मिल जाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश बटन मिल जाएगी, यहाँ पे सर्च मिल जाएगी। अब सर्च यहाँ पे वेब एड्रेस पूरा इंटर करेंगे तो वेब एड्रेस चला जाएगा, और अगर आप वेब एड्रेस इंटर नहीं करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सिर्फ जीमेल लिखते हैं इस तरह से, तो ये गूगल पे सर्च कर देगा ऑटोमेटिकली इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा स्टार। स्टार पे यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी चीज़ें होगी फेवरेट में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आपको फेवरेट टाइप मिल जाएगा, कलेक्शन बार मिल जाएगा, और यहाँ फीडबैक, चूँकि ये डेवलपमेंट वर्जन है, मतलब कि अभी ये बीटा वर्जन है, इसलिए डेवलपर वाला फीडबैक आएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल टू, मतलब जो भी प्रोफाइल होगी उसका नाम, यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल होगी वो दिख जाएगी। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ आपको मिल जाएगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा न्यू टैब, न्यू विंडो मिल जाएगा, न्यू प्राइवेट विंडो मिल जाएगी, और एप्लीकेशन बार विंडो मिल जाएगा। जूम जो होता है बाय डिफॉल्ट 100% होता है, फेवरेट मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है उसी तरह से। अगर आपको ब्राउज़र को अपडेट करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हेल्प में जाना है, अबाउट में जाना है और क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट चेक कर लेगा। जब भी वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिक सारे अपडेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मार्केट में अभी सिर्फ तीन ही तरह के वेब ब्राउज़र मेजर बचे हुए हैं। पहला जो है सबसे बड़ा गूगल क्रोम है, और जितने भी वेब ब्राउज़र हैं सिर्फ कुछ वेब ब्राउज़र को छोड़ कर सब गूगल क्रोम का ही तकनीक, मतलब कि इंजन यूज़ करते हैं, जिसको क्रोमियन इंजन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्रोमियन क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। उसके बाद दूसरा जो है हमारा फायरफॉक्स है, जो फायरफॉक्स का इंजन यूज करता है, जिसको गीको इंजन यूज करता है वो। उसके बाद हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है एप्पल का सफारी। एप्पल का सफारी एक अलग वेब ब्राउज़र। तो तीन ही मेजर वेब ब्राउज़र हैं, बाकी जितने भी वेब ब्राउज़र हैं सब गूगल क्रोम का ही क्रोमियन इंजन यूज करते हैं, चाहे ओपरा हो, चाहे मैस्थन हो, चाहे ब्रेव हो, कोई भी वेब ब्राउज़र हो, सभी गूगल क्रोम का ही क्रोमियन यूज करते हैं। तो ये फायरफॉक्स का था, अरे वो एज का था। तो आप चलिए फायरफॉक्स पे बता देते हैं क्या क्या नया मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे फायरफॉक्स पे क्लिक कर देंगे हम, तो ये थोड़ा देर लगाता है फायरफॉक्स ओपन होने में। तो ये अपडेट किया हुआ है, अपडेट इंस्टॉल कर रहा है।
तो ये फायरफॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे जो रिसेंटली वेबसाइटें विजिट की गई रहती हैं उनका नाम आ जाएगा। फायरफॉक्स में थोड़ा इंटरफेस अलग है, यहाँ पे आपको मिलेगा बैक, यहाँ पे फॉरवर्ड। आप ट्रिपल सी क्वेश्चन पूछता है, अगर जिस टाइप में आप फॉरवर्ड करेंगे सिर्फ उसी टाइप में वो काम करेगा, अदर टाइप का उससे कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप एक ही वेब ब्राउज़र के अंदर, अगर सिंगल अकाउंट वाला वेब ब्राउज़र है जैसे कि फायरफॉक्स है, और फायरफॉक्स में हालांकि मल्टीपल आ गया, जैसे कि हमने इस प्रोफाइल को लॉगिन किया हुआ है, अब यहाँ पे हम दो जीमेल अकाउंट नहीं खोल सकते। हालांकि अगर आप अलग अलग टाइम में भी खोलना कोशिश करेंगे तो वो पिन नहीं होगा, उसके लिए आपको या तो प्राइवेट विंडो खोलनी पड़ेगी या फिर नया यूज़र पर स्विच करना होगा। मतलब अगर मल्टी वेब ब्राउज़र वाला ऑप्शन है जैसे गूगल क्रोम है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज है या फिर सफारी है, तो वहाँ पे आपको दूसरा यूज़र स्विच करना पड़ेगा। एक यूज़र के अंदर आप एक चाहे आप अलग टाइप में ही गूगल क्रोम का कोई साइन अप करते हैं किसी वेबसाइट को, तो ऑटोमेटली वो नेक्स्ट टाइम में भी साइन इन हो जाएगी ऑटोमेटली। अब दो दो टाइपों में दो गूगल क्रोम का अकाउंट को खोल नहीं सकते, ना ही गूगल जीमेल का अकाउंट, ना ही किसी अदर सर्विस का जैसे फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर अमेजन होगा, किसी का भी अकाउंट आप अलग अलग टाइप में अलग अलग अकाउंट नहीं खोल सकते। जो फर्स्ट टाइम में अकाउंट रहेगा वही अकाउंट ऑटोमेटिकली सेकेंड वाले में चला जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन वहाँ तीन डॉट मिली थी, यहाँ पे मेनू मिलेगा, सिंपल क्लिक करना है। अपडेट करने के लिए सिंपल वही है, यहाँ पे अबाउट फायरफॉक्स में जाएंगे तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना शुरू कर देगा। और सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं और एड्रेस भी डाल सकते हैं, सीधा पूरा चला जाएगा। और यहाँ पे आपको कुल एक्सटेंशन मिल जाएगा, एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए फायरफॉक्स में थोड़ा अलग है और मोजिला में थोड़ा सा अलग है, दोनों का अपना अपना स्टोर है जहाँ पे आप ऐड ऑन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐड ऑन हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे आप थीम लगा सकते हैं जो भी आप थीम लगाना चाहें यहाँ पे, जैसे कि हमें वाइट लगानी है तो हम यहाँ पे वाइट लगा सकते हैं, इनेबल कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा पूरा। एक तो थीम हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद भी अप्लाई इफेक्ट होता है, और यहाँ पर सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो सर्फिंग का मतलब क्या होता है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर हम जब सर्फ करते हैं, जैसे कि हम विकिपीडिया खोले, कोई आर्टिकल हमें अच्छा लगा हम पढ़ रहे हैं। अब विकिपीडिया में जैसा जानते हैं बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, तो फायरफॉक्स चल नहीं रहा सही से, कोई बात नहीं। जैसे कि हमने ये विकिपीडिया ओपन किया, अब यहाँ पर हम लिखते हैं तो ये रियल टाइम में सर्च भी कर देता है। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो सर्च कर रहा है ऑटोमेटिकली, विकिपीडिया यहाँ पर आ गया। तो हमने विकिपीडिया ओपन किया, किसी लिंक पे हमने क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करते गए तो हमारी सर्फिंग के अंदर आती है। अब तीन तरह के काम हम इंटरनेट पर कर सकते हैं, असल में चार तरह के काम कर सकते हैं, तीन नहीं। पहला तो सर्फिंग कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अब स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग में अंतर क्या होता है, स्ट्रीमिंग में हम फाइल को रियल टाइम देखते हुए रहते हैं और डाउनलोड नहीं करते, सिर्फ प्ले करते हैं, और ये हमारा टेम्परेरी कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होती है। लेकिन अगर हम डाउनलोड करते हैं किसी फाइल को तो परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है, उसको बिना इंटरनेट के भी कहीं से भी देख सकते हैं। तो स्ट्रीमिंग में जो हमारी डाउनलोडिंग की बैंडविड्थ होती है, जैसे कि स्ट्रीम करते वक्त एक मूवी को हम 400 MB डाटा यूज कर रहे हैं, तो अगर हम उसी चीज़ को अगर डाउनलोड करते हैं तो 800 या 900 MB का डाटा यूज होगा, और वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्पेस भी यूज करेगा, जबकि स्ट्रीमिंग में कोई स्पेस आपके कंप्यूटर में यूज नहीं होता है। तो जैसे हमने आर्टिकल खोला, अब हमें यहाँ पे कुछ और पढ़ना था, हमने यहाँ पे ऐड क्लिक किया। ये जितना आप आगे जाते जाएंगे तो ये बैक बटन देखिए हाईलाइट हो गई, अब यहाँ पे बैक पीछे अगर चले आते तो ये हाईलाइट है अभी भी, क्योंकि हम एक पेज पे और आए हैं। अब यहाँ पे देखिए तो ये अभी भी हाईलाइट है, तो हम यहाँ पे और पीछे आ गए तो यहाँ पे आ गए, मतलब कि ये जब भी हम बैक बटन दबाएंगे तो ये तब तक हाईलाइटेड रहेगी जब तक हम पहले पन्ने पे नहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, और एक बार हम आगे चले गए फिर पीछे चले गए तो ये दोनों बटनें हाईलाइट हो जाएंगी, मतलब हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी। तो हमने यहाँ 8 तक क्लिक किया था, तब इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे हमने कोई पेज पे क्लिक नहीं किया था। तो हमने कल्चर पे क्लिक करेंगे तो एक पेज पे और आ गए। तो अगर हम यहाँ पे अब जाते हैं पीछे इस स्टेप पे, तो एक स्टेप यहाँ पे और आगे जुड़ गया क्योंकि हमने आगे जो है अब यहाँ पे Alt प्लस राइट एरो क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। तो ये हमारा सर्फिंग के अंदर आता है। और स्ट्रीमिंग करने के लिए यूट्यूब है,
और डेली मोशन है और फेसबुक का वीडियो भी है, और बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, जैसे कि OTT कंटेंट में अगर देखा जाए नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, हॉट स्टार है, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीम करके बहुत सारी मूवी को लीगली देख सकते हैं, इलीगली नहीं लीगली, लेकिन उन सब के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होगी। उसके बाद आते हैं ओपरा में। ओपरा और सारे ब्राउज़र में कोई मेजर डिफरेंस नहीं, बस ओपरा में एक एडिशनल चीज़ मिलती है जो किसी और वेब ब्राउज़र के अंदर नहीं मिलती है। हालांकि फायरफॉक्स में भी थोड़ी सी एक अलग चीज़ मिलती है, DNS ओवर HTTPS, मतलब कि हमारी जो DNS की क्वेरी है वो भी सिक्योर हो जाएगी। पर ओपरा के अंदर इनबिल्ट VPN का ऑप्शन मिलता है, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे एडवांस में, प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कहाँ जाए, बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा VPN। बाई डिफ़ॉल्ट ये इस तरह रहता है, तो आप यहाँ पे आके इसको इनेबल कर सकते हैं और बाईपास वाला जो ऑप्शन है इसको डिसेबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको VPN मिले। हालांकि बहुत सारी ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एशिया ऑप्टिमल लोकेशन लगा देंगे तो अपने आप सेलेक्ट कर देगा। अमेरिका, यूरोप और एशिया तीन ही कंट्री मिलती है, तो अमेरिका यूज करिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप किसी भी वेबसाइट को जो इंडिया में ब्लॉक है उसको आसानी से खोल सकते हैं। और ये VPN अनलिमिटेड है, यहाँ पर कोई डाटा लिमिट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं 600 MB तक हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे आप मंथली देख सकते हैं किस डेट आपने कितना यूज़ किया, और यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका से हम यूरोप पर जाएंगे तो ये IP एड्रेस फिर से हमारी चेंज हो जाएगी, जो हमारी 77 से स्टार्ट है, थोड़ा देर लगाता है। यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग लिख के आ रहा है और ये IP एड्रेस हमारी फिर से चेंज हो गई, 200 244 5 हो गई। एशिया पे आते हैं तो 245 14 हो गई। तो IP एड्रेस हमारी चेंज होती रहेगी जब भी हम कंट्री को चेंज करेंगे VPN के अंदर। अब आते हैं सर्च इंजन की बात करते हैं, तो इसको भी बंद कर देते हैं और अपने एज पे आते हैं। एज ज़्यादा सिक्योर है उसके लिए क्यों है, तो सर्च इंजन में पहला जो हमारा सर्च इंजन आता है वो गूगल है। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आप google.com भी यूज़ कर सकते हैं, google.co.in भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही एक ही तरीके से काम करती हैं। जब भी google.com क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन स्कैन करेगा कौन सी लोकेशन पे है, और उसी जगह का लोग जो सर्च इंजन है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब इसी गूगल को अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ओपरा में जाकर हम खोलते हैं और यहाँ पर हम लोकेशन अपनी अमेरिका लगा देते हैं, तो ये सर्च इंजन जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर अमेरिका क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम अपना सर्च इंजन ओपन करते हैं google.com। तो अब देखिएगा इंडिया वाला आइकॉन जो यहाँ पर लिख के आ रहा है इंडिया, ये हट जाएगा वहाँ से। ये थोड़ा टाइम लगाता है। अब देखिए यहाँ पे यूक्रेन का इंडिया लिख कर आने लगा सर्च इंजन, क्योंकि अमेरिका के रीजन में आता है, तो यहाँ पे देखिए नाम बदल गया, क्योंकि हमने नॉर्मल खोला तो इंडिया आ गया था, यहाँ पे यूक्रेन लिख कर आने लगा। और यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं दोबारा से VPN की लोकेशन, यहाँ पर हम जाते हैं यूरोप में चले जाते हैं किसी यूरोप की कोई कंट्री का, तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर से हमारी कंट्री बदल देगा यहाँ पर, तो चेंज नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्लिक करके दोबारा करेंगे तो यूक्रेन अभी भी लिखा हुआ, तो एक बार ये चेंज होने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। चलिए दूसरी हम एशिया पर चले जाते हैं। तो एशिया पर जैसे हमने किया ये चेंज होकर नीदरलैंड पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप क्लिक करें, अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन में नीदरलैंड और फ्रैंकिश, यहाँ पे दो ऑप्शन और भी आ गया, मतलब ये लैंग्वेज है वहाँ की जो ऑफर करता है, तो ये दोनों लैंग्वेज में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप VPN अप्लाई करके सर्च इंजन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन उसी जगह का ऑप्टिमाइज हो जाएगा जहाँ पे होगी वो। तो अब खोलते हैं याहू। उसके बाद गूगल के बाद जो दूसरा सर्च इंजन है सबसे बड़ा वो है bing.com। bing.com जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, और जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी वेब ब्राउजर आते हैं, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एड बीच हो, वो दोनों ही चीज़ें आसानी से जो है यहाँ पे आपको अपडेट मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज मिलती है, हालांकि यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, पर ये लैंग्वेज काफ़ी सारी मिलती है। अकाउंट लॉगिन आपको मिलेगा, यहाँ पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड भी मिलेगा और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगी। उसके बाद थर्ड सर्च इंजन जो है हमारा वो है yahoo.com। yahoo.com उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि गूगल क्रोम, गूगल और बिंग है, क्योंकि वो इतना पुराना भी नहीं। असल में याहू जो है अपने ईमेल सर्विस के लिए जाना जाता है, ना कि सर्च इंजन के लिए, और गूगल अपने ईमेल सर्विस और सर्च इंजन दोनों के लिए जाना जाता है।
तो यहाँ पे अगर यहाँ, अरे तो सिर्फ याहू क्लिक करेंगे तो हमारे याहू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन डॉट याहू डॉट कॉम, इन मतलब कंट्री अलग हो जाएगा। अगर किसी और जगह आप याहू खोलेंगे तो इन वाला ऑप्शन जो है हट जाएगा आसानी से। तो यह हमारा याहू का सर्च इंजन, यहाँ पे बहुत सारी रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपको, यहाँ पे याहू में अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहती है रियल टाइम में। तो याहू इंजन की यही अच्छी बात है, यहाँ पे अपडेट क्लिक अपने कैटेगरी के हिसाब से ऐड दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट आस ऑटोमेटिक तो मेक डेटा, अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके याहू से। तो तीन तरह के सर्च इंजन है, तीनों सर्च इंजन के अपने फायदे नुकसान है। पर अगर आपको कंटेंट ज़्यादा चाहिए मतलब टॉपिक, तो गूगल का सर्च इंजन सबसे बेहतर है। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो सबसे बेहतर है। अगर आपको कोई फोटो अच्छी सर्च करनी है तो उसके लिए बिंग अच्छा है, और अगर आप न्यूज़ ज़्यादा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए याहू सर्च इंजन सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अब इंटरनेट पर सर्च कैसे किया जाता है, सर्च करने के लिए पहले हम, चलिए हम कोई चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट से। अब यहाँ पे हम अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि हाउ मच पेट्रियन चार्ज, तो ये एक सर्च इंजन हमने सर्च किया था। इस पर हम क्लिक करते हैं सर्च इंजन पे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है गूगल पे ही सर्च करेगा। अब यहाँ पे दिक्कत यह है, तीनों सर्च इंजन हमें रिजल्ट दिखाते हैं सिमिलर, लेकिन गूगल के पास सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है जबकि अदर सर्विसों के मुकाबले। तो हम यहाँ पे अपने चैनल को सर्च कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं जिमाइंटेज, इंटर दबा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ बिंग पे चले आते हैं और फिर याहू पे भी चले आते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने कोई वेबसाइट को खोल लिया तो आपकी हिस्ट्री में सेव हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली वो जब भी आप उसको खोलेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ देगा। तो सेम सर्च इंजन को यहाँ पे सर्च टर्म को करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन वेबसाइटों का कैसा सर्च इंजन है। तो यहाँ पे भी हम जिमाइंटेक ही सर्च करेंगे और यहाँ पे भी सर्च करेंगे, तो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमें दिखाता है। और यहाँ पे भी कर देंगे हम सर्च, तो स्ट्रीम में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बार बार स्ट्रीम मतलब कि बार बार बफरिंग आ रही होगी, तो उसके लिए परेशान मत होइए। एक बार स्ट्रीम पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद ये वीडियो नॉर्मल वीडियो की तरह हो जाएगा, उसके बाद आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिमाइंटेक हमने सर्च किया, जिमाइंड, तो यहाँ पे हमने जो माइंड टच सर्च कर दिया तो हमारा वीडियो आ गया। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ गया, ट्विटर का लिंक आ गया, गूगल का भी एक लिंक आ गया, यहाँ पे विक्की फिक्की कोई साइट है बुक उसने भी लगाया, यहाँ पे स्ट्रीम लाइव का भी आ गया, यहाँ पे फाइंड लोकल भी। तो यहाँ पे टोटल बहुत सारे रिजल्ट हमें जो माइंड टच के आ गए यहाँ पे इस तरह से, मतलब कि 2620 रिजल्ट आ गए सिर्फ 44 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे जिमाइंटेक सर्च करने पे रिजल्ट एकदम अच्छा आया। बिंग पे चलते हैं, बिंग ने हमारे सर्च को फाइंड नहीं कर पाया, उसने ना ही हमें एक वीडियो दिखाया है ना ही और कुछ दिखा, लेकिन उसने फेसबुक को रिस्काइन कर लिया और यहाँ पे फेसबुक पेज हमने उसने दिखा दिया, और यहाँ पे जिमाइंटेक का एक पोस्ट भी उसने फेसबुक पर दिखा दिया, और कोई भी रिजल्ट उसने जिमाइंटेक का नहीं दिखाया। अब चलिए जिमाइंटेक में इस पे डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर पाए, तो इसमें भी डाल देते हैं स्पेस। अब ये थोड़ा अच्छी तरह समझ पाएगा क्योंकि हमारे चैनल पे अभी अभी याहू पे देखे थे, याहू ने एक भी रिजल्ट को सर्च नहीं कर पाया है, सिर्फ फेसबुक का रिजल्ट हमारा जो है याहू ने शो किया है बस। और फेसबुक की पोस्ट लाइक बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि बिंग ने किया था। अब आगे यहाँ पे हमने स्लैश लगा देते हैं थोड़ा सा ताकि ये अच्छी तरह समझ पाए, और फिर ये देखते हैं कितना रिजल्ट को दिखाता। जब हमने स्पेस लगाया तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी आ गई जिमाइंड इंस्टीट्यूट की, मतलब कि वेबसाइट की आ गई, यहाँ पे जिमाइंड टेक का यूट्यूब चैनल भी आ गया, जिमाइंड टेक का फेसबुक पेज भी आ गया, और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें आ गई जो यहाँ पे जिमाइंड टेक के कंटेंट को यूज की गई है। तो अगले आते हैं बिंग पे आते हैं, बिंग ने भी यूट्यूब को तुरंत स्कैन कर लिया जैसा कि हमने इस पे डाला, और यहाँ पे जिमाइन इंस्टीट्यूट भी आ गया, यहाँ पे उसका लोगो भी आ गया, यहाँ पे रिप्लेस हो गया है लोगो पुराने वाले जिमाइन इंस्टीट्यूट के लोगो से, और यहाँ पे जिमाइन टेक आ गया, यहाँ पे जिमाइन टेक फेसबुक पोस्ट आ गया, और भी जो वेबसाइट है जिमाइन टेक को लाइक की गई है, यहाँ पे जिमाइन टेक भी आ गया, और यहाँ पे कोई पटेल वीपीएन है यहाँ पे आसानी से उन्होंने भी, इनका भी रिजल्ट आ गया है। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब पे
याहू पे आते हैं तो याहू ने भी सेम चैनल को तुरंत ही पहले ही पेज पे स्कैन कर दिया है। और यहाँ पे तीन ही चार लिंक हमें जो है मिले हुए हैं, मतलब टोटल तीन ही चार लिंक हमें टोटल मिले हुए हैं, जबकि यहाँ पे हमें वीडियो भी मिल गया, थंबनेल मिल गई और काफ़ी सारे लिंक हमें फेसबुक जो माइंडटेक के यहाँ पे आसानी से मिल गए। और यहाँ पे अगर हम यूट्यूब गूगल की देखें, गूगल में बहुत सारे रिजल्ट आए और भी रिजल्ट आगे अभी भी हैं उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आगे और भी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये वीडियो भी आ गया और भी चीज़ें अभी भी हमारा जी माइंडटेक से रिलेटेड फ़ोटो भी आ गई। और चलिए बिंग में सेकेंड पेज पर चलते हैं, तो बिंग के सेकेंड पेज पर हमें जहाँ तक लगता नहीं कुछ मिलेगा, याहू के सेकेंड पेज पर भी आ जाते हैं। तो बिंग के सेकेंड पेज पे हमें सिर्फ फेसबुक का लिंक मिला हुआ है और यहाँ पे एक वीडियो का लिंक मिला हुआ है जो कहीं और डाला गया है, और कोई चीज़ हमें नहीं मिला है। और एक हमारे दूसरे पेज के यहाँ पे लिंक मिला हुआ है। तो बिंग का देख लिया हमने, थर्ड वाले पर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, एक यहाँ पर मिल गया है हमारा ही वीडियो का लिंक एक मिला हुआ है। मतलब सिर्फ यही एक कंटेंट हमें जो है दोनों सर्च इंजन में सेकेंड पेज पर मिला है, जबकि गूगल में अभी भी हमारे सेकंड पेज पे और भी हमारा रिजल्ट मिल ही रहा है। थर्ड पेज पे आते हैं तो थर्ड पेज पे दोनों में ही आसानी से कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड पेज पे भी हमें यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट अभी भी मिल रहे हैं, तो यानी कि जब हम करेक्ट एकदम कीवर्ड डाल देंगे तो हमें ज़्यादा रिजल्ट गूगल पे मिलता है, जबकि अदर पे हमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है, एक लिमिटेड रिजल्ट मिलता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो इससे आप तीनों सर्च इंजन की पावर समझ गए होंगे कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे वेब पेज को कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड वेब पेज करने के लिए सिंपल है, किसी भी वेब पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सेव एज ए वेब पेज। तो जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपका वेब पेज यहाँ पे पूछेगा कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, वेब पेज में कम्प्लीट HTML या फिर HTML, और सेव कर लेना है। और यहाँ पर आपका वेब पेज ये डाउनलोड हो गया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे ओपन फाइल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो वेब पेज हमने बनाया पूछ रहा है कि इसमें खोलना था, वहाँ पर मल्टीपल है तो ऑलवेज कर देते हैं ताकि दोबारा ना पूछे। तो ये देखिए हमारा वेब पेज खुल गया, और ध्यान रखिएगा ये हमारा वेब पेज है जो लाइव है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका पार्टिकुलर एड्रेस भी है, और इस वेब पेज का एड्रेस देखिए यहाँ पे हमारा लोकल एड्रेस है, और इसको हम किसी भी वेब ब्राउजर में खोल सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉपी किया और इसको हम ले जाके फिर अगर हम गूगल क्रोम में खोलना चाहें तो यह गए और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और इंटर दबा दिया तो ये हमारा वेब पेज आ गया। लेकिन अगर हम किसी चीज़ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इतना ही वेब पेज को डाउनलोड किया था। तो अगर आपको किसी को दिखाना है कि कितना कितना सर्च हुआ है तो आप इसको आसानी से डाउनलोड करके उसको ले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिंक लगा हुआ है लिंक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये लाइव वर्जन नहीं है, तो ये ऑफलाइन वर्जन है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं। यहाँ पर हमें देख के पूरा कॉपी करके ले जाना पड़ेगा, उसके बावजूद ये काम करेगा। अगले पे आते हैं प्रिंटिंग। तो वेब पेज प्रिंट करना बिल्कुल आसान है, पर यहाँ पे दोनों जो प्रिंटर चल रहे हैं, फायरफॉक्स का प्रिंटर आपको दिखाना चाहिए, फायरफॉक्स का जो प्रिंट है वो थोड़ा अलग है बाकियों के मुकाबले। तो फायरफॉक्स में अगर हम कंट्रोल पी दबा देते हैं तो ये हमारा इस तरह से कुछ प्रिंट होके आता है जो नॉर्मली आता है। यहाँ पे आपको कोई प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसलिए फायरफॉक्स का प्रिंट जो है सबसे बेकार हमें लगता है। उसके बाद अगर हम क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र की बात करें तो ओपरा का भी सेम है, गूगल क्रोम का भी सेम है, और यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी सेम है, क्योंकि तीनों एक ही सिस्टम को यूज करते हैं। और यहाँ पे जाएंगे वेब, आपको इंजन मिल जाएगा, मतलब कि कौन से प्रिंटर पर सेव प्रिंट करना चाहते हैं, सेव एज PDF कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेव एज PDF जो है गूगल क्रोम आदर मिल जाएगा, अदर पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट भी सेव सकते हैं, प्रिंट लेजर जेट पर भी कर सकते हैं, वन नोट में भी कर सकते हैं, फ्लैश में भी कर सकते हैं, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड कर सकते हैं, कितनी कॉपी चाहिए कर सकते हैं, आल पे कर सकते हैं, यहाँ पे कौन से पेज का, चूँकि यहाँ पे जैसे अब यहाँ पर अच्छी बात क्या है, अगर हम यहाँ तीन लिखते हैं तो ये अगर तीन पेज है ही नहीं इसमें तो एक पेज है, अगर दो पेज हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकेंड पेज को हाईलाइट कर देगा प्रीव्यू में, तो फर्स्ट पेज को हटा देगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट आप बोथ साइड। अब यहाँ पे मोर सेटिंग मिलेगी आपको, मोर सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे पेपर साइज स्केलिंग, मतलब कि पेज अगर बड़ा है छोटा करना है तो हम उसको यहाँ पे 60% कर देते थे, तो सेकेंड पेज में चेंज हो जाएगा ये। तो सेकेंड पेज अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ही पेज में ये पूरा आ गया, पहले दो पन्ने में था। तो यहाँ पे स्केल कर सकते हैं, अगर पेज बड़ा है तो आप उसको छोटा करने एक पेज में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्केलिंग कम कर सकते हैं,
पेज पर शीट, मतलब एक पन्ने में अगर दो पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो दो प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए सेकेंड पेज, ये फर्स्ट पेज, तो एक पेज कर सकते हैं। मार्जिन कितना करना चाहते हैं, डिफॉल्ट, नून, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। यहाँ पे कस्टम मार्जिन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप कस्टम मार्जिन लगा सकते हैं, इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं इसे, तो ये उतना स्पेस दे देगा। और यहाँ पे अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं तो कम से कम लग जाएगी, नन कर देंगे तो कोई मार्जिन नहीं यूज होगी, एकदम ऊपर तक चला जाएगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा तो ये इसी तरह रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे मिनिमम वाले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहता है। बैकग्राउंड ग्राफिक प्रिंट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड ग्राफिक प्रिंट हो जाएगी, मतलब पेज के पीछे जो बैकग्राउंड लगा रहेगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, नॉर्मल में नहीं दिखता और इतना ही आता है। और यहाँ पर प्रिंट सिस्टम डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो यही माइक्रोसॉफ्ट जो फायरफॉक्स में दिखेगा वही आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद सेव करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, सेव ऐसे PDF करना है और यहाँ पर सेव कर देना है, बिल्कुल उसी तरह से सेव हो जाएगा यहाँ पर PDF में, जैसे कि नॉर्मली कोई वेब पेज सेव होता है। ठीक, तो ये इतना था हमारा प्रिंटिंग का। तो अगली क्लास हम आपको शाम को देंगे, जहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे, तो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, पर वो डिपेंड करता है कि इंटरनेट की स्पीड कैसे, क्योंकि शाम के टाइम जो है इंटरनेट बहुत ही स्लो हो जाएगा। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे आपको एक वीडियो और आज आप दे दें 100 क्वेश्चन का, क्योंकि अप्रैल का एग्ज़ाम जो है अगर सब कुछ सही हुआ तो 25 तारीख समझ लीजिए, 25 के बाद आपकी डेट आ जाएगी। अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो फिर वो लॉकडाउन अगर बढ़ गया तो फिर एग्ज़ाम आप, अभी फ़िलहाल उसकी कोई डेट कंफर्म नहीं है, पर डिपेंड करता है कि आपका जो लॉकडाउन है वो कितना बढ़ता है, उस हिसाब से डेट आएगी। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए और जितनी जानकारी इकट्ठा कर पाइए करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया नीचे रेड वाले बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कोई सवाल हो तो कमेंट करिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर आप ज्वाइन होकर वीडियो की टाइमिंग के बारे में पता कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।